दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा रही है। भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन स्थित नागचंदेश्वर मंदिर, जो महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का नागचंदेश्वर मंदिर साल में केवल एक दिन नागपंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में विराजमान है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के पीछे का रहस्य। दोस्तों भारत में नागपंचमी के दिन मंदिरों में जाकर भगवान शिव और नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मौजूद नागचंदेश्वर मंदिर को साल में सिर्फ एक बार भक्तों के लिए खोला जाता है। नागचंदेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी से एक दिन पहले रात 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही नागराज के इस मंदिर से जुड़ी कई खास बातें हैं। नागचंदेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं कि यह प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। नागपंचमी पर नागचंदेश्वर के दर्शन के लिए एक दिन पहले से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर भगवान नागचंदेश्वर की प्रतिमा दिखाई देती है। 24 घंटे लगातार दर्शनों के बाद रात 12:30 बजे एक साल के लिए इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। पट बंद करने से पहले रात 8 बजे महाकाल मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। क्या है पौराणिक मान्यता? नागराज तक्षक ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। मान्यता के अनुसार उसके बाद तक्षक नाग ने भगवान शिव के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी एक मांग थी कि उसके एकांत में विघ्न न हो, और वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नागचंदेश्वर मंदिर केवल नागपंचमी के दिन ही भक्तों के लिए खोला जाता है। दोस्तों क्या आप कभी इस मंदिर में गए हों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें।